पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर हमीरपुर जिला कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना की शपथ दिलाई गई। जयंती कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, अजय शर्मा, विवेक कटोच भी मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस मौके पर स्वर्गीय राजीव गांधी के देश के लिए किए गए कामों पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए भी प्रण लिया गया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हमीरपुर शहरी कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें आज उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने के लिए सभी ने एक एकजुटता के साथ सभी ने प्रतिज्ञा की और साथ में ही जो राजीव गांधी जी की इस देश के लिए जो देन है और जो उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का सभी ने प्रण लिया है और आने वाले कल में भी जो उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे सभी जो कांग्रेसी जन हैं वो उनके साथ चलने उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का प्रण लेते हैं और इसी के साथ एकजुटता के साथ आने वाले दिनों में कांग्रेस को और मजबूती के साथ मौजूद करने के लिए जो संगठन जो हमेशा तत्पर रहेगा और उनके बताए हुए सिद्धांतों के चलने के लिए आज सभी कांग्रेसी जन एकजुटता के साथ प्रण लेते हैं कि आने वाले कल में हम लोग उनके जो किए हुए कार्य हैं और उन्होंने जो इस देश के लिए कुर्बानी दी है उसको लेकर सब बातों को लेकर संगठन जो मजबूती के साथ आगे काम करते हैं।